नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जनरल भाषा में हम कहते हैं कि आपस की बातचीत, आपस का एक दूसरे को मैसेज देना, दूसरे के मैसेज को समझना। तो कम्युनिकेशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है बाय विच टू और मोर पीपल, इसमें दो या दो से अधिक लोग एक्सचेंज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, फैक्ट्स एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग्स जो आपस की होती हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, और इम्प्रेशन, किसी भी चीज़ का इम्प्रेशन है उसको आपस में एक्सचेंज करते हैं, इन ए वे दैट ईच गेंस ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से इनको एक्सचेंज किया जाता है कि जो हर व्यक्ति है जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है उनमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, किसकी, ऑफ मीनिंग, जो भी कहा जा रहा है उसके अर्थ की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, इंटेंट की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, और यूज़ ऑफ ए मैसेज की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये होती है कम्युनिकेशन। और ये जो डेफिनेशन दी है ये दी है पॉल लीगेंस ने। तो एक बार वापस से समझ लेते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स और इम्प्रेशन इन ए वे दैट ईच गेन्स ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, इंटेंट एंड यूज ऑफ मैसेज। डेफिनेशन दी गई है बाय पॉल लीगेंस के द्वारा। तो कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, फीलिंग को, इम्प्रेशंस को एक्सचेंज करते हैं, और वो इस तरीके से एक्सचेंज करते हैं कि हर कोई व्यक्ति ए उस जो मैसेज है या इंटेंट है या मीनिंग है उसकी, उसके अंदर कॉमन अंडरस्टैंडिंग आए। तो इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है नर्सिंग इज़ ए कम्युनिकेशन इंटरवेंशन, कम्युनिकेटिव इंटरवेंशन एंड इज़ फाउंडेड ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नर्सिंग क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बेस्ड है ये। यदि पेशेंट प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है नर्सिंग पर्सनल से, तो वो पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वो फील कर रहा है, वो अच्छी तरह से समझ सकती है। उनके साइन एंड सिम्टम्स जो बताते हैं वो, या अपनी परेशानियाँ बताते हैं, उसके हिसाब से ही नर्सिंग केयर दी जाती है। तो ये कम्युनिकेटिव इंटरवेंशन है, और ये पूरी तरह से जो नर्सिंग प्रैक्टिसेज हैं वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट आता है द वर्ड कम्युनिकेशन। जो एक वर्ड है कम्युनिकेशन, उसका क्या मतलब है? ओरिजिनेट फ्रॉम कम्युनिस, एक ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है कम्युनिस, इससे बना हुआ है, मीनिंग टू मेक कॉमन, मीनिंग कि उस चीज़ को कॉमन बनाना। यदि दो लोग हैं तो उसके बीच में वो मैसेज कॉमन हो, तो ये ग्रीक वर्ड से बना है कम्युनिस से, जिसका मतलब होता है टू मेक कॉमन। नेक्स्ट आता है द कम्युनिकेशन प्रोसेस, और इसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं इन चीज़ों को, और इसको पूरी को हम कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं प्रोसेस में या एलिमेंट में? पहला सेंडर होता है जो कि मैसेज देता है। तो जो सेंडर है, जो मैसेज दे रहा है, वो एक तरह से क्या हुआ? सोर्स हुआ। देन मैसेज है, मैसेज क्या होता है? कंटेंट, जो भी चीज़ें वो बता रहा है वो कंटेंट है, वो मैसेज है। नेक्स्ट आता है चैनल्स, मीडियम, यानी किस माध्यम से वो बना रहा है, बता रहा है वो चीज़ें। जैसे कि यदि हम मान लें टेलीविज़न के द्वारा, रेडियो के द्वारा, पत्र के द्वारा, तो ये सारे हुए चैनल। देन है रिसीवर, मीन्स किसको वो मैसेज दिया जा रहा है, उसको कौन रिसीव कर रहा है। और देन वो रिसीवर मैसेज लेने के बाद वापस से फीडबैक देता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्ट। तो इस तरह से प्रोसेस में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इनको हम एलिमेंट भी बोलते हैं। सेंडर सोर्स होता है, मैसेज कंटेंट होता है, चैनल्स मीडियम होता है, रिसीवर ऑडियंस होता है, और फीडबैक इफेक्ट होता है। एक और जो कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है कम्युनिकेशन इज़ ए टू वे प्रोसेस, कि दो वे की प्रोसेस है, ऑफ शेयरिंग एंड ट्रांसमिटिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड मैसेज, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को या मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है या शेयर किया जाता है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में।
जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है सेंडर के द्वारा। सेंडर सोर्स होता है, वो मैसेज को क्या है एनकोड करता है कि मुझे क्या मैसेज देना है, फिर वो मैसेज मीडिया के द्वारा देता है, फिर उसको डिकोड किया जाता है, रिसीवर तक पहुंचता है, वो रिसीवर रेस्पॉन्स देता है और रेस्पॉन्स के बाद वो फीडबैक वापस सेंडर के पास पहुंचती है। इस तरह से ये कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी होती है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। नर्सिंग का कम्युनिकेशन में, जो नर्सिंग है उसमें कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। पहला है प्रमोट मोटिवेशन, इससे मोटिवेशन प्रमोट होता है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का ये सोर्स होता है, इंफॉर्मेशन इससे पता चलता है। एल्टरिंग इंडिविजुअल्स एटीट्यूड को ये ऑल्टर करता है। हेल्प्स इन सोशलाइजिंग, सोशलाइजिंग में हेल्प करता है। कंट्रोलिंग प्रोसेस है। प्रोवाइड बेसिस फॉर लीडरशिप एक्शन, कोई भी लीडरशिप एक्शन है तो उसका जो बेसिस होता है वो कम्युनिकेशन होता है। प्रोवाइड मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोई भी चीज़ कम्युनिकेट होती है तो उसमें कोऑर्डिनेशन बनता है कि ये काम हमें इस तरह से करना है। तब तक वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं होगी बात, तब तक उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं आता। जनरेट ट्रस्ट बिटवीन नर्सेस एंड क्लाइंट्स, क्लाइंट और नर्स के बीच में ये ट्रस्ट को जनरेट करता है। तो इस तरह से ये हो गए इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, प्रमोट मोटिवेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल्टरिंग इंडिविजुअल एटीट्यूड्स, हेल्प इन सोशलाइजिंग, कंट्रोलिंग प्रोसेस, प्रोवाइड्स बेसिस फॉर लीडरशिप एक्शन, प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड जनरेट ट्रस्ट बिटवीन नर्सेज एंड क्लाइंट्स। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या प्रिंसिपल होंगे, क्या सिद्धांत होंगे कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन शुड हैव ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, कोई भी चीज़ कम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेट हो रही है तो उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और पर्पज होना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड बी अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन, जो सिचुएशन है परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए कम्युनिकेशन। सिस्टम एनालिसिस ऑफ द मैसेज, जो मैसेज है उसका सिस्टम एनालिसिस होना चाहिए। सेलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, अप्रोप्रिएट जो भाषा है, यदि हम किसी व्यक्ति को कोई चीज़ समझा रहे हैं और उसकी भाषा उसको समझ में ही नहीं आ रही है तो वो कम्युनिकेशन बेकार है। तो इसलिए उचित जो भाषा है उसका यूज होना चाहिए, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। कम्युनिकेशन शुड प्रमोट टोटल अचीवमेंट और पर्पज, इस तरह का होना चाहिए कम्युनिकेशन जिससे पर्पज उद्देश्य जो हो उसकी पूरी पूर्ति हो। कम्युनिकेशन थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट, आपस में पर्सनल कॉन्टैक्ट होके होना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड बी फैमिलियर, फैमिलियर होना चाहिए। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। पहला, कम्युनिकेशन शुड हैव ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, शुड बी अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन, सिस्टम एनालिसिस ऑफ द मैसेज, सेलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, कम्युनिकेशन शुड प्रमोट टोटल अचीवमेंट ऑफ पर्पसेस, कम्युनिकेशन थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन शुड बी फैमिलियर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, किस किस तरह का होता है कम्युनिकेशन। तो इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एक्सप्रेशन, कि किस तरह का रिलेशनशिप है, जैसे कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल मीन्स जैसे कि ऑफिसेज में थ्रू फाइल, थ्रू पेपर वर्क जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल, कोई भी व्यक्ति आपस में कुछ भी चीज़ें जैसे कोई मैसेज है वो ट्रांसफ़र करके, उसमें पेपर या फाइल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये इनफॉर्मल। तो ये हो गया रिलेशनशिप कैसा है उसके हिसाब से। दूसरा है कि जो कम्युनिकेशन है वो वन वे है या टू वे है। वन वे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं डाइडेक्टिक और टू वे को हम बोलते हैं सोक्रेटिक कम्युनिकेशन, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ मूड, किस तरह की जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से, तो ये हो सकता है वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में मींस जैसे कि ओरली कुछ बोल के हम बता रहे हैं या उसको रिटन में हम लिख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मूड में वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल में ओरल, रिटन, और नॉन वर्बल में जैसे कि एक्सप्रेशन से या कोई साइन दिखा के हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी बातचीत को, उसको कहते हैं नॉन वर्बल। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो,
फ्लो पे है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो हो गया ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल में डाउनवर्ड और अपवर्ड, और हॉरिजेंटल में थ्रू आपस में जो एम्प्लॉयज़ का है वो हो गया हॉरिजेंटल। और वर्टिकल में जैसे कि सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को कोई का बात कम्युनिकेट कर रहा है, या सबऑर्डिनेट सुपीरियर को कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये हो गया वर्टिकल। इसके बाद जो अदर कम्युनिकेशन में उसमें आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल कम्युनिकेशन, साइकिक कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन और सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन। टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, लिसनिंग सुनना, ब्रॉड ओपनिंग, रीस्टेटिंग किसी भी चीज़ को रीस्टेट करना अच्छी तरह से उसको बोलना, क्लैरिफिकेशन, रिफ्लेक्शन, फोकस करना, शेयरिंग परसेप्शन, साइलेंस, साइलेंस में से सुनना किसी भी चीज़ को, ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग एंड सजेस्टिंग, ये सब क्या हैं टेक्निक्स ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन या टेक्निक्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। लिसनिंग, ब्रॉड ओपनिंग, रीस्टेटिंग, क्लैरिफिकेशन, रिफ्लेक्शन, फोकसिंग, शेयरिंग, परसेप्शन, साइलेंस, ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग एंड सजेस्टिंग। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज ऑफ कम्युनिकेशन। क्या स्ट्रेटजीज होंगी कम्युनिकेशन की, तो थिंक बिफोर यू स्पीक, जब भी आप कुछ बोलें उससे पहले सोचें। लिसनिंग, ध्यान से सुने। क्वेश्चनिंग, यदि कुछ कन्फ्यूज़न है या कोई प्रॉब्लम है कुछ, तो क्वेश्चन करें। यूजिंग डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन है उनका यूज़ करें। एंड डायरेक्टिंग, तो ये हो गए स्ट्रेटजीज ऑफ कम्युनिकेशन, थिंक बिफोर यू स्पीक, लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, यूजिंग डायरेक्शन एंड डायरेक्टिंग। नेक्स्ट आता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधा आ रही हैं वो कहलाती हैं बैरियर। फर्स्ट है रॉन्ग और इम्प्रॉपर डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। जो मैसेज सेंडर भेज रहा है उसको सही ढंग से डिकोड नहीं करना या गलत करना। पुअर चॉइसेस ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर मैसेज को वो पास नहीं कर पा रहे हैं, तो पुअर चॉइस है। फेलियर टू लिसन, सुनने में परेशानी है, नॉइजी सराउंडिंग है, यदि शोर होगा तो प्रॉपर से मैसेज पास नहीं होगा। ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा है उसकी वजह से प्रॉब्लम। सीमेंटिक बैरियर, हाइटेंड इमोशंस ज़्यादा हैं उससे वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। लेक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने का जो योग्यता है उसका अभाव। इन अटेंशन, अटेंटिव नहीं है न तो सेंडर न ही रिसीवर। रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज कर कोई भी चेंज है उसके प्रति वो प्रतिरोध दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो ये हो गए वेरियर्स। तो ये 10 वेरियर्स ये हैं, रॉन्ग और इम्प्रॉपर डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, पुअर चॉइसेस ऑफ वर्ड्स, फेलर टू लिसन, नॉइजी सराउंडिंग ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सीमेंटिंग बैरियर, हाइटेंड इमोशंस, लेक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट, इन अटेंशन, रेजिस्टेंस टू चेंज। क्लोज माइंड है, प्रॉपरली माइंड जो है इस तरह से नहीं है कि वो कैच कर सके मैसेज को। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं, कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं। कल्चरल जो है, संस्कृति अलग अलग है, तो उस हिसाब से परसेप्शन, नॉलेज एंड इमोशंस, तो ये सब बैरियर्स हैं। क्लोज माइंड, फिजियोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, परसेप्शन, नॉलेज एंड इमोशन। अगला आता है थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन है डेसिबल थ्योरी, सेल थ्योरी एंड मिनीमेट थ्योरी। तो ये तीन थ्योरी हैं जो कि कम्युनिकेशन की स्पेसिफिक थ्योरीज हैं, डेसिबल, सेल एंड मिनीमेट। नेक्स्ट आता है लेबल्स और चैनल्स ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। तो 4 लेबल्स हैं इसमें, या 4 चैनल्स हैं ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन के। पहला है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सेकंड है अपवर्ड कम्युनिकेशन, थर्ड है लेटरल कम्युनिकेशन और फोर्थ है डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो मैनेजमेंट है उसमें सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं उनकी तरफ जो कम्युनिकेशन होता है
जैसे कि मैनेजर या सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से जो कम्युनिकेशन करता है वो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो है वो है अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें जो सबॉर्डिनेट है वो अपना मैसेज को मैनेजर को या मैनेजमेंट को पास करते हैं, तो ये हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है लेटरल कम्युनिकेशन। इसमें जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और इसके अलावा मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये हो गया लेटरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डायगोनल कम्युनिकेशन। इसमें इस तरह से होते हैं जैसे मैनेजमेंट है वो मेडिकल डिपार्टमेंट को कर रहा है, नर्सिंग मैनेजमेंट को कर रहा है, नर्सिंग डिपार्टमेंट को मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिकल यूनिट, सर्जिकल यूनिट, पैथोलॉजी, ऐसे ही नर्सिंग डिपार्टमेंट में मेडिकल सर्जिकल पीट्स, उसके अलावा लेबोरेटरी एक्सरेज एंड लॉन्ड्री, इन सब में जो आपस में कम्युनिकेशन है वो आ जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन में। आज का हमारा टॉपिक था कम्युनिकेशन और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जामिनेशंस में जो नर्सिंग एग्जामिनेशन है उसमें इसमें नोट्स आ जाते हैं और काफ़ी मार्क्स के होते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।